मना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद घूमना शुरू करेंगे। ये क्या करना चाहता है तू? हाँ तो गाइस, अभी मैं क्लास से आ चुका हूँ, अभी करना फटाफट से ब्रेकफास्ट रेडी। तो आज का ब्रेकफास्ट करते हैं रेडी। सो गाइस, अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है एकदम तैयार। पराठे बनाए हैं, साथ में दही है और साथ में प्याज के पराठे बना रहा था, पर वो बने नहीं, मैंने छोड़ दिया। एक ही ट्राई किया था, फिर अब सिंपल ही बनाए। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 7 एंड हम निकले हैं शादी के लिए। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ भव्या के साथ, और साथ में मेरे भव्या है। एकदम से प्लान बना, और साथ में उसके मामू है सनी सर, ये एंकर हैं एंड एक्टर भी हैं। मतलब क्वालिटीज भरी हुई है फूट फूट के। बाकी मैं आपको दिखाई दूंगा शादी में, चलते हैं। आज निशुराज जा रहे हैं, तो चलो फिर वहां मिलूंगा आपको। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं शादी में, साथ में भव्या हैं। आप थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करोगे खुद को? आप रुक के करते हैं बाद में। हाँ, मैं ठीक है, कॉल कर लूं। उनको कॉल कर लेते हैं। स्क्रिप्ट वगैरह उनके हाथ में सारी की सारी रेडी है, एंकरिंग करेंगे वो, मैं आपको दिखाऊंगा। कर रहे हैं तो गाइस, अभी हम अंदर बैठे हैं और खाई जा रहे हैं। अभी क्या मंगाया था? पांच शेक मंगाया था, एंड दही भले एंड सो ऑन चलता ही जा रहा है हमारा। और इधर ऊपर से डीजे वाले भैया ने रोमांटिक सी मतलब मूड बना रहे हैं भैया, रोमांटिक सा। बाकी अपडेट करता रहूँ। अरे हो, ऐसा मूड भी चाहिए हमें। ये देख लो गाइस, डंगरों की तरह ढुसी आए हो। वैसे गाइस, मैं थोड़ा सा हेजिटेट तो हो रहा हूँ, बट ठीक है, जैसे तैसे करके व्लॉग। बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद घूमना शुरू करेंगे। ये क्या करना चाहता है तू? पता नहीं ये क्या करना चाहता है, बट चलो जैसा भी मस्त चल रहा है। तो गाइस, अभी मैंने कम से कम भी कितने शेक पी लिए? पांच से छह शेक पी लिए, और मैं शेक पे शेक पी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को खाने फास्ट फूड से ज्यादा अच्छे शेक लगते हैं। एंड यहाँ पे शायद पान भी है, ट्राई करेंगे आज फायर पान हुआ तो। गाइस, अभी मैं फर्स्ट टाइम है ना पान ट्राई कर रहा हूँ, फायर पान बना रहे हैं भैया प्रोसेस। तो यहाँ पे गाइस हमारा रेडी हो रहा है फायर पान, देखते हैं कैसा, पहली बार ट्राई करूंगा, कैसा होगा देखते हैं। It was at this moment that he knew he fucked up. तो गाइस, मेरे को पता नहीं था इसमें ड्यूअल मोड भी, वैसे आपको गाना भी आवाज आ रही होगी, पर देखो ड्यूअल मोड में कितना मस्त लग रहा है। ये मेरे पीछे की अरेंजमेंट और ये मेरे आगे की अरेंजमेंट, आपको लेफ्ट साइड मेरी दिख रहा होगा, राइट साइड पीछे वाली अरेंजमेंट दिख रही होगी सारी। तो मेरे को बहुत मस्त फंक्शन लगता है। आँखों की गुस्ताखियां, मतलब हो जा जरा, मतलब दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी। मतलब हो जा जरा, मतलब दुनिया की सुनता है क्यों, खुद की भी सुन ले कभी।
पता रहे ना किसी का हमें, यही कहे ये पल जिंदगी का हमें। गाइस अभी मैं अंदर आया था और अंदर की अरेंजमेंट्स जो मैंने देखी ना बहुत बहुत मस्त, आप भी देख सकते हो पीछे अमेजिंग। तेरे को थोड़ी दिखाना है अरेंजमेंट दिखानी है, ये बीच में आया जरा अरेंजमेंट आप देख सकते हो बहुत मस्त है। ये आई थिंक सो हमारे एरिया का, हमारे सिरसा का सबसे एक्सपेंसिव है ना ये, या फिर कैरा दो तीन है सबसे एक्सपेंसिव है। मतलब अरेंजमेंट आप देख सकते हो गजब। मैं आपकी आपकी मेरी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ, आज मैंने क्या डाला है भैया, ऐसा ही रखियो करना थोड़ा नीचे का और नीचे बस जमीन नीचे काटेगा वो ना बढ़ावे। तो ये है गाइस मेरी ओवरऑल लुक, अभी चलते हैं और भव्या कह रहा है मेरी बारी, तो ये साथ में है भव्या की ओवरऑल लुक, टी शर्ट बेल बॉटम बेली। ठीक है आप भाई मॉडर्न बंदे, हमें पता है। हम जा रहे हैं वापस बाहर क्योंकि मेरे को हो रही है थोड़ी थोड़ी हेजिटेशन, सिनेमैटिक शॉट्स निकालने में हेजिटेशन हो रही है। उसे महफिल कहते हैं, तो भाई जिस पल का हम इंतजार कर रहे थे दोनों जी आ रहे हो तब वे हो, सो प्लीज डीजे भाई से कहूंगा कि वो गाना लगा दें कि दामाद जी हमारे अंदर। फिल्म बनाई गई है तो अभी वो दिखाएंगे आपको, इसके लिए थोड़ा सा